ज्यादा राशि की लेनदेन की जानकारी मांगी। अब खबरें विस्तार से। 7 नवंबर से नामांकन का सिलसिला आरंभ हो गया है। कई प्रत्याशियों ने पर्चा लिया। मोमिन खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहला पर्चा दिया। जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने पोटका विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और पोटका रिजर्व सीट है आदिवासी। मैं आज नामांकन पत्र ले रहा हूं। 4 सेट लिया है, 2 अंग्रेजी, हिंदी, और नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे 11 तारीख को 11 बजे। ये 2000 से हम करीब 2005 से लड़ रहे हैं। कितने विधानसभा और कितने? तीसरा विधानसभा है ये। और लोकसभा? लोकसभा 5 बार लड़ चुके। 5 बार लड़ चुके। लोकसभा कब शुरू किया? 2005 से। विधानसभा पहला विधानसभा लड़े। इधर देख के बोले। 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। प्रत्याशी पर्चा खरीद रहे हैं। वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी। जिला पुलिस द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरुआत के ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीएसपी जस्टिन केरकेट्टा ने कहा कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था का तो पूरा प्रबंध किया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, और सभी जगह जहां टॉप गेट है वहां भी पुलिस अफसर के साथ में सशस्त्र बल है, और परिसर के अंदर में, परिसर के मुख्य द्वार पर और बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर और सभी जगह लगाए गए हैं पुलिस बल को, पदाधिकारियों के साथ। कितने पदाधिकारी लगाए गए हैं पूरे? पदाधिकारी तो सभी जहां मेन पॉइंट है वहां पर पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक को लगाया गया है। कितने लोगों को अंदर गुजरने चाहिए? वो तो हमेशा की तरह जब भी होता है तो 5 लोग ही अंदर जाने का है। नदकेदी नूर मोहम्मद अपने आयोजित तीजा पर्व में पूर्व विधायक एवं जमशेदपुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी सरयू राय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। जमशेदपुर पश्चिम के प्रत्याशी सरयू राय ने तीजा पर्व के मौके पर अल्पसंख्यकों के साथ बैठक चर्चा की। साथ ही उन्होंने सभी के साथ मिलकर बिरयानी का भी लुत्फ उठाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर संबंधों के लिए मतभेदों और फासले को मिटाना होगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों समाज का अभिन्न अंग बताया है। सरकार के पॉइंट्स निकलेंगे कम तो हम सभी खुशहाल होंगे। ये केवल जो धर्मों के बारे में ही नहीं है, व्यक्तिगत दो व्यक्तियों के बारे में भी है, संघों के बारे में भी है। इससे जरूरत है कि हमारे बीच जो फासले हैं तो उनको कम करें। अगर कहीं जाने अनजाने किसी राह पर कांटे बिछ गए तो कांटों की जगह फूल बिखरे और हम सभी का रास्ता सुकून का रास्ता। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर आचार संहिता का अनुपालन साथ ही अन्य दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पर झारखंड के लिए के आम चुनाव हेतु सेकंड फेज के इलेक्शन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 असेंबली 44 भराकोड़ा 45 भाड़शिरा एसटी रिजर्व 46 पोटका अगेन एसटी 47 जोगसलाई एससी 48 जमशेदपुर पूर्वी 49 जमशेदपुर पश्चिमी इन 6 असेंबली सेगमेंट में नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है एज पर नोटिफिकेशन। 14 नवंबर 2000 डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन है। 15 नवंबर 2000 होगी। 17 नवंबर 2014 डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटर्स है, 2 दिसंबर अलॉटमेंट होगा। 2 दिसंबर 2014 को पोल्स होंगे। पोल का टाइम 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक। उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को के साथ बैठक की और बैंक संचालकों को कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त निर्वाचन पदाधिकारी ने शुक्रवार को सभी बैंकरों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रत्याशी अथवा
उनके रिश्तेदारों द्वारा 1 लाख से ज्यादा निकासी अथवा खाते में बड़ी राशि जमा होने की सूचना जिला प्रशासन दे। बैंकर्स के साथ बैठक में जो कैश ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग की जाती है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन के, उसके तहत उनको जानकारी दी गई है और निर्देश दिया गया है कि वो सारी गाइडलाइंस के अंदर जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हैं, कैश कैरी करते हैं अपने कैश ट्रांजैक्शन के लिए चाहे एटीएम के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल उनको फॉलो करनी है। विधायक एवं कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि जनता उनके द्वारा किए गए को जानती है और चुनाव में जनता अन्य प्रत्याशियों को खुद जवाब देगी। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान भी मौजूद थे। संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी एवं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। गठबंधन का विरोध करने वाली भाजपा ने आजसू और लोजपा से गठबंधन क्यों किया? आंदोलन के क्रम में हमारी पिटाई की, हमने उनके साथ भी एक सच्चा जनप्रतिनिधि के नाते उनका भी मदद किया और जो डेवलपमेंट के काम आप देख रहे हैं, चाहे वो पावर ग्रिड का माहौल, चाहे ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो थाना रोड चौड़ीकरण मामला हो, चाहे फागू बाबा शमशान का मामला हो, चाहे 108 किलोमीटर जो मानगो में लाइन बिछाने की बात थी उसका तकनीकी और प्रशासनिक सुख की बात हो, हमने इस पर ये प्रयास किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, अपना मत चाहते हैं, ना धर्म के आधार पर चाहते हैं। डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट की बिना पर जनता जो है अपने मताधिकार, भारतीय जनता पार्टी तो कल तक ये कह रही थी ना कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, के लिए सरकार बनेगी, बहुमत में आएंगे, ताकि तो जरूरत पड़ गई कि जो है जाके सुदेश महतो से गठबंधन कर लिया। तक कुछ चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे थे कि नहीं, गठबंधन करने वाले लोग कमजोर होते हैं इसलिए गठबंधन करते हैं, हम गठबंधन में विश्वास नहीं करते हैं, तो क्यों जाके गठबंधन कर लिया? उसको भी नहीं करना चाहिए था, अपने मौलिक सिद्धांत से क्यों हट गया? लोजपा से भी गठबंधन कर लिया, वहां पर इनकी जो प्रगत नेचर वाइज जो एक नेचर की पार्टी थी शिवसेना, उससे इन्होंने तोड़ दिया।